तो आप देख सकते हैं एक साथ तीन तस्वीरें। मजदर शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहले स्वागत किया गया, आज सुबह वो वहां पहुंचे और उसके बाद इलेक्ट्रिक कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफर किया और जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मसदर शहर को भविष्य का शहर बताया और साथ ही वहां की तकनीक को देखकर उन्होंने बयान दिया कि विज्ञान ही भविष्य है। हम आपको यह भी बता दें कि मसदर शहर एक प्रदूषण रहित शहर है। और तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि वहां के कारोबारियों से मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत में व्यापारिक संभावनाओं से वहां के उद्योगपतियों को अवगत कराते हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तमाम विदेश यात्राएं रहीं वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिर्फ एक ही मुख्य लक्ष्य रहा कि वो भारतीय बाजार की में जो अपार संभावनाएं भरी हुई हैं उससे दुनिया को अवगत कराएं ताकि दुनिया में काम कर रही जो तमाम मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे उद्योगपति हैं उन्हें भारत में फैली हुई अपार संभावनाओं को बताया जा सके दिखाया जा सके। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं वो वहां भारत में पर्यटन की संभावनाओं की चर्चा अपने भाषण में जरूर करते आए हैं और भारत पर्यटन के नजरिए से शायद दुनिया का सबसे समृद्ध राष्ट्र भी है जिसको विकसित करने की जिसका आधुनिकीकरण करने की बहुत जरूरत है और इस जरूरत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी तमाम अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं में जिक्र भी करते आए हैं और जोर भी देते आए हैं। और अपने इसी लक्ष्य को पूरा करने के बाद 1981 के बाद ये भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जो यूएई दौरे पर गए हैं और यहां न सिर्फ दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी तमाम अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे न सिर्फ दोनों देशों के बीच जो व्यापारिक समझौते हैं उन पर हस्ताक्षर होंगे न सिर्फ व्यापारिक संभावनाओं को बताया जाएगा बल्कि यूएई के इस दौरे से पूरी दुनिया में जो व्यापारिक संभावनाएं हैं भारत की वो और उनका प्रचार प्रसार होगा। बात चाहे हम चीन की करें चाहे यूएस की बात करें तमाम देशों की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यही कोशिश रही कि वो दुनिया के तमाम बड़े निवेशकों को भारतीय बाजार की ओर आकर्षित कर पाए और यही लक्ष्य आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूएई में है और इसीलिए इस वक्त वो वहां के बड़े निवेशकों के साथ बातचीत कर रहे हैं और उन्हें भारतीय बाजार की संभावनाओं के बारे में जानकारी भी दे रहे हैं।